हमारे साथ सांसद नवनीत राणा जी इस वक्त जुड़ रही हैं, और मैंने खास तौर पर नवनीत जी इसीलिए आपको शो में आमंत्रित किया है क्योंकि आप एक सांसद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर संजीदगी से नए सिरे से चर्चा हो। सबको ये लगता है कि अगर समय सीमा के साथ न्याय की प्रक्रिया हो तो शायद कन्विक्शन रेट्स हाई हो, तो शायद अगर हम बेहतर तरीके से सजा और न्याय प्रणाली को अपने व्यवस्थित करें तो शायद इंसाफ मिले। 7 साल लग गए निर्भया जैसे मामले में जिसमें सारा देश एक साथ एक खड़ा दिखा था, लेकिन सवाल यह है कि हम क्या टाइम बाउंड कन्विक्शन बेटर हो इन सब पर काम कर रहे हैं? इन मुद्दों को क्या आप जैसी महिला सांसद इस देश की संसद में उठाएंगी कि एक समय सीमा तय हो ऐसे केसेस में? फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट? आपका बोलना एकदम करेक्ट है और अति बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब ऐसे कई चीजें बाहर निकल के आते हैं। श्रद्धा केस के सब्जेक्ट रिलेटेड हो या मुंबई में जो नर्स के साथ हुआ, आज निकी के साथ ये जो चीज हुई। पर मैं आपको इतना जरूर बोलना चाहूंगी, आप जो लॉ की बात कर रही हैं कि फास्ट ट्रैक होना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, ऐसे क्रिमिनल्स को सजा मिलनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। हम जैसी सांसद जितनी भी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, हम इसमें आवाज कंटिन्यू उठा रहे। श्रद्धा का मर्डर केस हो या निर्भया केस हो या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जब आते हैं तो उसके लिए हम वहां पर उतने ही अग्रेसिव रहकर वो सब्जेक्ट हमेशा हम पार्लियामेंट में उठाते। पर मेरा मेरा भी कुछ समाज को और हमारी लड़कियों को, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारी संस्कृति जो हमें सिखाती है बिफोर मैरिज ये लिव इन, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। मतलब आज हम जिस बात पे बात कर रहे हैं कि 2018 से जब निकी उनके साथ में एक फ्लैट में जब रहती है तब बाकी चीजें क्यों काउंट नहीं होती है, जब रेंट देने वाले को आज समाज में जब हम देखते हैं यंगस्टर्स को पेरेंट्स ने अपना ब्लड का, जो पेरेंट्स होते हैं, हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और बॉम्बे की रहने वाली मैं लड़की हूँ, हमारे मराठी में भी मन है बोलते रक्ताचा थेम थे मम्मी दे, तो जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने बच्चों को ब्लड का एक एक थेम उनके भविष्य के लिए देते हैं, तब लड़कियां क्यों ये चीज सोचती नहीं है कि लिव इन ये हमारी कल्चर नहीं है, हमारे देश का कल्चर ये नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। और जब एजुकेशन के लिए या उनके फ्यूचर के लिए बच्चों को बाहर भेजा जाता है, उनसे दूर करके उनके पैर पे खड़ा रहने के लिए भेजा जाता है, तब वो बहुत सारी केसों में मेरे पास जो आती हैं लेडीज, लड़कियां आती हैं, जब वो स्टडीज करने जाती हैं तो फॉल्स एनजीओ के एक मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर कई लड़कों के साथ में वो एक फ्लैट में शेयर करती हैं, फिर जाके ये सब क्रिएशन शुरू होता है। मतलब क्योंकि 5-6 साल आप जब एक लड़के के साथ, एक व्यक्ति के साथ एक ही जगह में, एक ही घर में ऐसे लिव इन आप रहती हो तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा एक अलग लेवल पे चले जाती हैं। तो मुझे तकलीफ उस बात से भी है, मुझे चिंता उन पेरेंट्स की भी है कि जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को अपने भविष्य के लिए अपने से दूर करती हैं और फिर उनके साथ में ऐसे होते हैं, कई के 35 टुकड़े किए जाते हैं, कई को काट कर फ्रिज में रखा जाता है, कई को बेड में रख दिया जाता है। मुझे लगता है ये सब चीजें इसके साथ रिलेटेड है, हमारा कल्चर जो हमें सिखाता है हमारी बच्चियों ने वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब संसद में आएगा, लॉ के लिए लड़ना है तो एज ए महिला, एज ए वुमेन हम सबसे पहले रहेंगे और हम रहते भी आए हैं, या फिर हमारे क्षेत्र में हो या फिर पार्लियामेंट में हो। जब भी रेप का कोई सब्जेक्ट आता है, निर्भया केस जैसे मुद्दे आते हैं, तो मुझे लगता है हम ही महिलाएं सबसे आगे रहकर, और आप भी जब चैनल के माध्यम से काम करती हैं तो आपको भी उतनी तकलीफ होती है, आपकी आवाज भी उतनी स्ट्रांगली पहुंचती है। तो मैं आपको भी विनंती करूंगी, जब मैं स्पीच लिव इन पे देती हूँ कि लिव इन कल्चर हमारा नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ चीज है, तो मुझे लगता है हमारी बच्चियों को हमने ये भी संस्कृति, अपने संस्कार देने चाहिए कि दिस इज नॉट आवर कल्चर, ये वेस्टर्न कल्चर है। उसके बाद ये सब चीजें घटती हैं। लॉ के लिए फास्ट ट्रैक होना बहुत जरूरी है, जो ऐसे क्राइम करता है उसके साथ उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए हम आवाज जरूर उठाएंगे, पर उसके साथ साथ हमारी बच्चियों को भी कुछ समझाना और बताना हमारा भी कर्तव्य है। ठीक है, 2 पॉइंट्स है मेरे जो जहां पे मैं आपसे सहमत नहीं हूं और मैं अग्री नहीं करती हूं। पहली बात यह है कि जब हम दोष खोजते हैं तो हम लड़की पर ओनस डालते हैं,
नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा अपनी जगह पर है नवनीत जी, लेकिन इस देश की सर्वोच्च अदालत भी ये कहती है, 2013 के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में, इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा में रूलिंग ये आई थी कि विमेन पार्टनर जो है लिव इन रिलेशनशिप में वो प्रोटेक्टेड है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस PWDV एक्ट 2005 में। सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता है कि आज की ये सच्चाई है, नैतिक और सांस्कृतिक रूप से जो शिक्षा हम बच्चों को दे सकते हैं वो घरों में देते रहें, लेकिन जो सच्चाई है और जो व्यवस्था की जिम्मेदारी है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, ये कहकर कि बच्चियों पर ओनस है कि वो अपने आप को बचा कर रखें। जिस तरह से लड़कों को लेकर भी एक तरह की आजादी उनको मिलती है, वैसे ही वो जिस तरह के लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं वैसे ही परिस्थिति सबके साथ है। तो मुझे लगता है कि कानून और समय सीमा, ठीक है आप अपना जवाब दीजिए, कानून और समय सीमा जो सरकार और व्यवस्था का काम है अगर वही हम सुनिश्चित कर ले तो शायद बहुत बड़ा ब्रेक लगे। नवनीत जी मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगी, हम वो रियल ग्रेट लीडरों के देश से हम बिलोंग करते हैं जहां पर ईंट का जवाब पत्थर से देना हम लोगों को सिखाया जाता है, वो हम दे सकते हैं। और लॉ जो हमें सिखाता है, लॉ के बारे में अगर आप बात करते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फीमेल, मैं जो रिप्रेजेंट करती हूँ, आप उसके बारे में आप बोलते हैं, तो ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए जो नियम होने चाहिए, जो लॉ बनने चाहिए, जो फास्ट ट्रैक पे लाकर इमीडिएट ऐसे क्रिमिनल्स को जो क्राइम ऐसे करते हैं उन्हें सजा होनी चाहिए, ये हो गई हमारी पार्लियामेंटेरियन। और नियम कायदे के अनुसार जो मैं बात करूंगी वो पार्लियामेंट में आने के बाद मैं उस पर जरूर आवाज उठाऊंगी, पर मेरी चीज, मेरा दुखना एज ए मदर, एज ए फीमेल, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये हमेशा से ही है और आगे भी रहेगा कि हमारी बच्चियों को खुद से सिक्योर होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के साथ विदाउट एनी मैरिज आप रहते हैं, ये मेरी संस्कृति नहीं है, ये मैं अडॉप्ट नहीं कर सकती। लॉ जो सिखाता है वो अलग चीजें हैं, लॉ बोलता है उसे मानते हैं हम, पर मुझे एज ए पर्सनली, एज ए मदर और एज ए डॉटर किसी की, एज ए वाइफ, मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ ये मेरी संस्कृति नहीं है जिसे मैं मेरी लड़कियों के बीच में या कॉलेजेस में जाने के बाद या लड़कियों के कोई मेड़ावे लेने के बाद मैं उन्हें इस लाइन पे जरूर गाइड करती हूँ। लॉ के लिए हम आपके साथ हैं कि लॉ को मजबूत होना चाहिए, फास्ट ट्रैक करनी चाहिए, 7 साल निर्भया केस के जैसा, 7 साल उनके पेरेंट्स के चप्पल घस गए थे उतना देर नहीं लगना चाहिए। उनकी बेटी या हमारी बेटी, इस देश की कोई भी बेटी हो, उसे इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है, ये हमारी सबकी दिल से इच्छा है। पर इस बार जब पार्लियामेंट होगा तो 100% अंजना जी आपको एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए फीमेल, आपको मेरी आवाज इस विषय को लेकर बहुत ताकत से, बहुत मजबूती से पार्लियामेंट में दिखेगी। और जब जब हमारी बच्चियों को हमारी जरूरत पड़ेगी हम एज ए फीमेल उनके साथ रहेंगे, पर मेरी बच्चियों से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, हमने भी उसके अनुसार आगे चलना चाहिए और ऐसे दोषियों को सजा आवश्यक मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक के माध्यम से मिलनी चाहिए। ठीक है, श्रद्धा वॉल्कर के पिता हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आप विकास जी उनसे पूछना चाह रहे हैं कोई बात कह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप को लगता है आपको आज की सच्चाई है उससे भागना मुश्किल है, विकास जी आपको सुन रही हैं नवनीत जी, आप बोल सकते हैं। मैंने एक बार ऐसे सवाल किया था कि लिव इन रिलेशन में ऐसे कानून होने चाहिए जो कानून के दायरे में आना चाहिए, कुछ चीजें जो अब तक नहीं है तो ऐसे क्यों नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर कुछ पाबंदी होनी चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है। आपके आपके दुख में हम सभी एज ए मदर, एज ए डॉटर हम आपके साथ में, और आपने जो कहा है वो हमारी भी सोच है, हमारे भी विचार है कि आने वाले समय में इसे जरूर पार्लियामेंट में, मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन जरूर आपके जो शब्द हैं कि लिव इन के ऊपर भी कोई कायदा, कोई नियम बनना चाहिए, उसके लिए जरूर मैं पार्लियामेंट में ये सब्जेक्ट जरूर उठाऊंगी। पर भाई साहब, एज ए पेरेंट्स और एज ए फीमेल मैं आपके प्रश्नों के साथ रहूंगी और आपके दुख में हम सभी महिलाएं पूरे देश की आपके दुख में शामिल है।